मारुति सुजुकी एंड टोयोटा आने वाले कुछ सालों में इंडियन मार्केट के लिए अपने कुछ न्यू प्रोडक्ट्स को लाने की तैयारी में है। मारुति सुजुकी एंड टोयोटा की तरफ से तैयार किया गया पहला प्रोडक्ट इस साल दिवाली से पहले भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने टोयोटा मारुति की इन्हीं टॉप 3 अपकमिंग कारों को डिटेल से कवर किया है, जो कि हमें दिवाली के फेस्टिव सीजन तक इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। सो गाइज, ये रिक्वेस्ट, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर फैसिलिफ्ट। टोयोटा अपनी अर्बन क्रूजर के अपडेटेड मॉडल को अगस्त 2022 तक लॉन्च कर सकती है। इसको न्यू ब्रेजा से ही सिमिलर रखा जाएगा, हालांकि इस एसयूवी के लुक्स ब्रेजा से अलग होंगे। इस नए मॉडल के डिजाइन में भी काफी अपडेट नजर आएंगे, वहीं इसके इंटीरियर को भी अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा न्यू अर्बन क्रूजर में नया इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन भी दिया जाएगा। न्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर इस बार ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी ला सकती है। इसमें पावरटेन वाइज 1.5 लीटर का ड्यूल जेट K15C पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाएगा, जो की 103 PS की पावर को जनरेट करेगा। ये इंजन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन के साथ में आएंगे। टोयोटा हाई राइडर। इंडियन मार्केट में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस एंड स्कोडा कुशाक से होगा। इस कार को कंपनी के लोकल TNGA या DNGA प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इस न्यू SUV का प्रोडक्शन सुजुकी एंड टोयोटा के सप्लायर की हेल्प से किया जाएगा। न्यू हाई राइडर का डिजाइन और इंटीरियर टोयोटा करोला क्रॉस से ही इंस्पायर्ड होगा। इस कार में 2 तरह के पेट्रोल इंजन दिए जाएंगे। पहला इंजन माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगा, जबकि दूसरा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के तौर पर इसमें एक बड़ा बैटरी पैक और एक इलेक्ट्रिक मोटर दी जाएगी। टोयोटा हाई राइडर माइल्ड हाइब्रिड वर्जन 103 PS की पावर को जनरेट करेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन 116 PS की पावर देगा। मारुति सुजुकी YFG। टोयोटा अपनी अपकमिंग मिड साइज SUV हाई राइडर को मारुति सुजुकी को सप्लाई करेगी, जो कि नेक्सा डीलरशिप के जरिए सेल की जाएगी। YFG कोड नेम वाली इस SUV का प्रोडक्शन टोयोटा के बिदाड़ी प्लांट में किया जाएगा। मारुति सुजुकी का ये न्यू मॉडल दिखने में टोयोटा के मॉडल से थोड़ा अलग होगा। इसके लुक्स मारुति सुजुकी की कार एक क्रॉस से मिलते जुलते होंगे। इस नए मॉडल में टोयोटा D22 वाले सेम इंजन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सामने आए कुछ स्पाइस शॉट के जरिए जानकारी मिली है कि इस नई मारुति कार में बलेनो हैचबैक वाले फीचर नजर आ सकते हैं। तो गाइस, ये थी वो टॉप 3 अपकमिंग कारें। वीडियो से रिलेटेड अपने ओपिनियन को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, एंड अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।